सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शैतान मसीहों के ऊपर हमला करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय वचन 10 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें शैतान की चालों को समझना है और उससे बचाव करने के लिए प्रार्थना और वचन में मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार से शैतान हमें अपने चालों में फंसाता है। जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16 और वचन 17 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जब हम बुरा देखते हैं या फिर हमें अपने पैसे पर घमंड होता है या किसी भी बात का हमें घमंड होता है तो वह शैतान की ओर से होता है, क्योंकि शैतान हमें जताता है कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं तो हमारे पास जीवन भी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हमें घमंड करना है तो हमें इस बात पर घमंड करना है कि हमें परमेश्वर के वचन का पता है और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक विश्वासी परीक्षा में गिरता है तो परमेश्वर उनको उठाते हैं। जब हम नीति वचन 24 अध्याय वचन 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मियों की सहायता करते हैं और उनको फिर से खड़ा करते हैं और विश्वास को मजबूत करते हैं। अगर आप अपने विश्वासी जीवन में गिर चुके हैं और अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप परमेश्वर से बातें नहीं कर पाते, वचन को पढ़ नहीं पाते, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको फिर से प्रार्थना का जीवन देंगे। अगर आप परमेश्वर से अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपको उसी प्रकार का जीवन देंगे। और अब मैं आपको एक और शैतान का हथियार बताने वाला हूँ। शैतान हमेशा लोगों से झूठ बुलवाने की कोशिश करता है, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी झूठ ना बोलें, परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 3 में, पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान का सामना करो और वह आपके सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान भूखे शेर की तरह है और वह चाहता है कि किसी ना किसी को फाड़ खाए, तो इसलिए हमेशा सचेत रहें और परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।